हेलो एवरीवन, मैं मोना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे। तो आज की जो ये वीडियो है वो एक कमेंट पर बेस्ड है। इसमें मैं दो कमेंट्स के आंसर करूँगी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है, देखिए, क्योंकि आप लोगों का 8th क्लास वालों, आप सबका एग्जाम का पैटर्न जो है इस बार बदला हुआ है, तो लाजमी है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो के माध्यम से ही इस क्वेश्चंस के आंसर कर दूं, ताकि और भी सारे बच्चों के अगर ये क्वेरीज है तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए आज की ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 दिन से लाइट नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी आप देख सकते हैं हमारे घर का हाल, ये देखो इधर लालटेन जल रहा है हमारे घर में, तो लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है। तो लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो इसलिए अर्जेंटली बना दूं ताकि आप सबके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, तभी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहला कमेंट है, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, माइकी एक्स अभी जी का कमेंट है। उनका कहना है कि एग्ज़ाम 50 मार्क्स के होंगे, तो हम और 50 मार्क्स कहाँ से लाएं, ठीक है, कैसे लाएं? तो देखिए माइकी एक्स अभी जी, पहली बात कि आपका एग्ज़ाम जो है ना उसमें फुल मार्क्स 50 ही है, और फुल मार्क्स अगर 50 है तो आपको और एक्स्ट्रा नंबर लाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आप 50 में 50 ले आओ, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है? आपको और एक्स्ट्रा 50 मार्क्स नहीं लाना है। तो आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और उसमें आपको जो है ना 50 MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसका आपको आंसर करना है, वो भी जो है OMR शीट पे, ठीक है? तो आपको एक्स्ट्रा कोई 50 नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे पेपर्स के एग्ज़ाम जो है 50 मार्क्स ही रहेंगे, सब में फुल मार्क्स। और शेड्यूल वगैरह तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस पर आप देख सकते हैं कि कौन सी डेट है, कौन सी शिफ्ट होगी आपके एग्ज़ाम की, कितने टाइम करेगा, वो सारी मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक जो है कमेंट मेरे पास आ रहा था संस्कृत को लेकर के, ठीक है, कि संस्कृत का हम लोग रिवीजन कैसे करें, संस्कृत बहुत डिफिकल्ट लगता है। नाम अभी मैं भूल रही हूँ, कोई टोपो थी उनका ये कमेंट था। तो देखिए संस्कृत का मेरे पास जो है ना बुक वगैरह नहीं है, कंटेंट नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं उसके वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए संस्कृत जो है ना वो आपका ऑप्शनल पेपर में होगा, ठीक है? तो मेनली जो आपका 5 पेपर है आप उस पर फोकस कीजिए। आपका ऑप्शनल पेपर का नंबर तभी ऐड होता है जब आप इधर से, जैसे कि इंग्लिश वगैरह में अगर आप फेल हो जाते हैं, तभी आपका जो है ऑप्शनल पेपर में अगर आप पास है तो आपका उस नंबर को ऐड किया जाता है इसमें। लेकिन अगर आप इधर 5ों पेपर अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है ना आपका संस्कृत का नंबर इसमें वैसे भी ऐड नहीं होना है, ठीक है? तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, जितना आपको स्कूल में पढ़ाया गया आप पढ़िए उसी को, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को भी रखिए। बाकी जो आपका इधर 5 पेपर है उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है, और उस पर अपना बेस्ट देने की कोशिश भी कीजिए। तो ये हो गई एक बात। एक और क्वेश्चन आया है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, सतीश प्रजापति, ठीक है, उन्हीं का ये क्वेश्चन था कि पास मार्क्स एग्जाम में हमारा कितना रहेगा, बोर्ड एग्जाम में हमारा पास मार्क्स कितना रहेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको पता है ना कि 33% जो होता है वो आपका पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है? तो पहले 100 नंबर के एग्जाम हुआ करते थे तो उसमें आपको 33 लाना होता था, ठीक है? लेकिन अभी क्या है ना कि आपका जो है ना एग्जाम 50 मार्क्स का है, तो वहां से आप जो है ना उसको आधा कर दीजिए, है ना? जैसे 100 का आधा हो गया आपका 50, तो पहले 33 मार्क्स लाने थे तो अभी आपको जो है ना 33 का हाफ कर लीजिए, तो करीबन वही 16-17 नंबर हो जाते हैं आपके पासिंग मार्क्स, ठीक है? यानी 16-17 से आप ऊपर ही टारगेट कीजिए अपना, कि कम से कम 20 ले आए, ठीक है? तो आप जो है ना सेफ जोन में होंगे और आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या होगा कि आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे मैं रोज अब MCQ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, वो भी सब्जेक्ट वाइज, और एग्जाम के पहले जो है ना पूरे बुक का ही हम लोग MCQ टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? तो जरूरी है कि आप जो है ना, अगर अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोज अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, उसका रीज़न यही है कि लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे,
तो इसी कारण से आज वीडियो नहीं मिल पाई, ठीक है। पर मेरी कोशिश रहेगी कि अब कल से आप लोगों को वीडियोस मिला करेंगी रोज, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अब अपनी तैयारी कीजिए। आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज अब क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इसके अलावे भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आप सबके रिप्लाई करने की। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों की तरफ मौसम का क्या हाल चाल है। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आप लोगों की तरफ का मौसम का हाल क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।